ये आपने एक साल पहले ही उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने इतने गंभीर विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस चीज का भुक्तभोगी ऑलरेडी रह चुका हूँ पिछले साल। जब पिछले साल 2015 में जब हमारी सरकार ही, उस दौरान मैंने एक एप्लीकेशन लिख के एमसीडी में सबमिट कराई कि मुझे अपने पार्कों में जंगपुरा के अंतर्गत आने वाले 20-25-60-70 जितने ही पार्क हैं, उन पार्कों में बेंचें लगवानी है। और वो बहुत अच्छी मैंने सेलेक्ट करा, उसमें 2 दिन लगाए मैंने पूरा कि किस तरीके की बेंचें होनी चाहिए जिसमें लोग को सुविधा भी हो और लोग वहां पे आसानी से बैठ भी पाए और सस्ती भी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। मैंने सारा रिसर्च करके, ऑनलाइन रिसर्च करके सब जगह से निकाला और बहुत बेहतरीन राउंड टेबल की बेंचें निकाल के लाया रेड कलर की। और मैंने वेरियस एजेंसी से पता किया कि उसमें किसकी क्या कॉस्ट है, कौन कितने प्रोक्योर कर सकता है। तो मैंने एमसीडी से भी कॉस्ट ली, फ्लड से भी कॉस्ट ली और एक आठ डिपार्टमेंट और है उससे भी कॉस्ट ली। तो मुझे सबसे ज्यादा एमसीडी में जो कॉस्ट मिली और फ्लड में जो कॉस्ट मिली, फ्लड डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट मिली उसमें करीबन 3-4 हज़ार का अंतर था। और इससे पहले मैं एमसीडी में ऑलरेडी लेटर दे चुका था कि मुझे जो है यहाँ पे बेंच प्रोक्योर करनी है और यहाँ पे मुझे आप अपना एस्टिमेट बना के दो। तो करीबन 6 महीने बीत गए, 7-8 महीने बीत गए, वहां से एमसीडी से कोई रिप्लाई नहीं आया उस लेटर का। मैं आपको सर कॉपी दे दूंगा इसकी और पहले भी रख चुका हूँ। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक साल बीत गए, एक साल बीतने के बाद मेरे पास जो है फ्लड डिपार्टमेंट जो मुझे लेटर सौंपा था उनके एस्टिमेट का, वो लेटर मैंने उठा के जो है वो 22,000 की एक टेबल थी, 22,000 रुपए की एक टेबल, जबकि एमसीडी ने उसी टेबल का कॉस्ट जो बताया था वो 26,000 रुपए, मेरे ख्याल से 26,000 रुपए लगभग बताया था उसी टेबल का। फ्लड डिपार्टमेंट 22,000 की टेबल मैंने प्रोक्योर कर ली फ्लड डिपार्टमेंट से, डूडा के थ्रू सारी टेबल की प्रोक्योरमेंट हो गई। प्रोक्योरमेंट होने के बाद जब हमारे पास वो टेबल लगाने की बारी आई और हमने उसके लिए कोशिश करी डूडा के थ्रू और वेरियस डिपार्टमेंट के थ्रू कि वो टेबल जो है वो पार्कों में लग जाए, और जैसे ही वहां पे लगाने गए पार्कों में, वहां पे तुरंत उसी समय जो वहां पे जब लगाने पहुंचे तो उस फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास एक एमसीडी का मैट वाला पहुंचा, कहता है मैं पार्षद जी ने भेजा इस पार्क में टेबल नहीं लग सकती। फिर भी कुछ जगह 100 में से करीबन 40-50-60-70 जगह जहां पे पॉसिबल हुए जनता के द्वारा वहां पे टेबल लगाई, लेकिन उस 10 दिन के अंतराल में जाने ऐसा क्या हुआ कि एमसीडी के पास तुरंत ऑर्डर आ गए। और मेरे पास ये प्रेस रिलीज भी है, इस मुद्दे का डिस्कशन एमसीडी के हाउस में भी उठ चुका है कि एमएलए लेट फंड द्वारा जितने भी काम एमसीडी के पार्क्स में हुए हैं वो उन पार्कों में नहीं हो पाए या नहीं करने दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे सौरभ भाई ने भी बताया था, क्योंकि एमएलए ने अगर काम कर दिया, एमएलए ने अगर बेंच लगा दी और बेंच पर अगर उसका नाम लिखी, मैं तो कह रहा हूं नाम भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं नाम की, लेकिन कम से कम एमएलए ने जो लोगों के लिए, जनता ने जो जिसके लिए चुना है, जिसके लिए जनता ने उसे पैसे दिए, कम से कम उस पैसे का उपयोग तो होने दो, यूटिलाइज होने। किसी के घर की संपत्ति थोड़े, निजी संपत्ति थोड़े पार्क, अगर वो पार्क एमसीडी के अंदर आते हैं, पीडब्ल्यूडी के पार्क पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, लेकिन ये सारा देश एक ही, दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति उस पार्क को यूज करता है और एमएलए लैट फंड जो है वो भी जनता के टैक्स से पैसा भरा है। तो जो व्यक्ति उस पार्क को यूज कर सकता है उसके पास एमएलए लैट फंड यूज करने का भी हक है। तो इसी तरीके से जब वो फ्लड डिपार्टमेंट वहां पे बेंच प्लेस करी, एमसीडी के हाउस में मुद्दा उठा कि एमएलए लैट फंड से जितनी बेंच लगाई गई वो उसे डिसमेंटल किया जाए, उसके बाद एक एक करके एमसीडी ने ऑफिशियली नोटिस जारी करके, ऑफिशियली नोटिस जारी करके ड्यू टू इन ग्रांट ऑफ एनओसी ऑल बेंचेस विल बी डिसमेंटल। तो सारे बेंचेस उठा के जो है डिसमेंटल कर दी गई, और जिसमें से 10-15 जो है वहां पे लोगों की मदद से बची भी रहेगी, लेकिन 70-80 बेंचें। और मैंने ये रिटर्न में ही मांगा कि आपने मेरी अगर बेंचें डिसमेंटल कर दी गई तो बताइए आप वहां पे आपने बेंचें रखी कहां है। तो उसका भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं आधे जो बेंचें रखे उसके ऊपर से वो उसका पहिया जो है वो उठा के ले गए, कहीं से उसके स्क्रू निकाल के ले गए। तो इस तरीके से पूरा मिसमैनेजमेंट उसमें हुआ है, पहले पिछले हाउस में मैंने आपको बताया था सेम। और मैं आपको इस मुद्दे पे मैं ऑलरेडी कमिश्नर साहब से ही मिल चुका था और मैंने उनसे डिमांड करी कि भाई एमएलए लैट फंड में अगर एनओसी चाहिए तो हम एनओसी आप बताइए किस तरीके से हम एनओसी ले सकते हैं, हम उस तरीके से तैयार हैं। लेकिन उस समय दुर्भाग्य था कि हमारे हाउस में कोई भी हमारा प्रतिनिधि नहीं था, हमारा कोई भी काउंसलर एक साल पहले नहीं था, तो इस वजह से हमारी सारी बेंच लगभग वहां डिसमेंटल हुई कि हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा मेरे तो मैं इसलिए ज्यादा भुक्त हुई क्योंकि मेरे 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए लगभग जो है एमसीडी में एमएलए लेट फंड द्वारा सारे वहां पे दे दिए गए, लेकिन उसका क्रियान्वयन ना होने के कारण लगभग 2-2 2.5 साल बाद वो बता दिया एमसीडी ने इसको एनओसी नहीं मिली।
फ्लड डिपार्टमेंट को इसके एनओसी नहीं दी गई, इस वजह से आपका सारा पैसा वापस आ गया। तो इसलिए मेरे पास करीबन 8-9 करोड़ रुपए मेरे बीएमएलएल एड फंड में है। उसी की बहुत, क्योंकि उसका एक और रीजन है क्योंकि मेरा ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी रेगुलराइज कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी, जिसमें पूरी तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, अनऑथराइज कॉलोनी कोई नहीं है। तो इस वजह से वहां पे जो भी काम होगा एमसीडी के थ्रू होगा, वहां पे चाहे नली ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, पार्क ले लीजिए, सारा जो है वो एमसीडी का ही ज्यूरिडिक्शन है। तो इसलिए एमसीडी के एनओसी ना होने के कारण वहां पे लगातार इस तरीके की दिक्कत आती रहती है। मैंने स्ट्रीट लाइट के लिए 1.5 करोड़ रुपए फंड इश्यू किया, जिसमें की 175 पोल थे और 350 स्ट्रीट लाइटों का ऑर्डर किया था मैंने। करीबन 1.5 साल रखने के बाद एमसीडी ने मना कर दिया, एसडीएमसी मना कर दिया कि आपके वहां पे पैसे नहीं लग सकते क्योंकि आपके पास इसकी एनओसी नहीं है, क्योंकि आपके पास वो एनओसी नहीं है स्ट्रीट लाइट की। इसके बाद वहां पे मैंने आपको टेबल का बताया। इसके बाद वहां पे हमारी एक भोगल है, वो वहां पे काफी हमारे एससी समाज के काफी लोग रहते हैं। वहां पे मैंने स्पेशली एससी डिपार्टमेंट से बोल के एससी फंड वहां पे इशू कराया और फ्लड डिपार्टमेंट ने सारा उनका एक एक सड़क का 20-20, 30-30 लाख का सारा वो एस्टिमेट बनवाया। उस एस्टिमेट बनाने के बाद जब वो सारा पैसा जो है टेंडर भी हो गए, उन चीजों के टेंडर भी हो गए, फ्लड डिपार्टमेंट टेंडर भी कर दिए, लेकिन जब फ्लड डिपार्टमेंट ने एससी डिपार्टमेंट ने अप्रूवल के लिए भेजा कि वो सड़क बना दी जाए, तो एसडीएमसी ने तुरंत वहां लेटर लिख के मना कर दिया कि आपके पास इसकी एनओसी नहीं, आप ये सड़क नहीं बना सकते। अब भाई आप एमसीडी बढ़ाएंगे नहीं, एमएलएलएड फंड यूज नहीं होगा, एससी डिपार्टमेंट पर यूज नहीं होगा, तो जनता जाएगी कहां? क्या गड्ढों में पैर रख लेंगे? जनता बैठी है, आप अगर कुछ करोगे नहीं, एमसीडी कुछ करेगी, एसडीएमसी कुछ करेगी नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, बार बार पैसे के लिए रोते रहते हैं, हमारे भाई की पैसा दे दो, पैसा दे दो। प्रवीण जी कंक्लूड करिए, प्रवीण जी दिक्कत है, कंक्लूड करिए, एक मिनट कंक्लूड करिए, ये लंबा हो जाएगा विषय। एक दो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, और एम ए एक सड़क के लिए मैंने कई सालों से सौंप रखा है, ऐसा है प्रवीण जी, 2 साल के बाद वो सड़क बन रही है। मेरी बात सुनिए, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, एक बार विद डेट वर्क ऑर्डर की कॉपी या आपने जो लेटर दिया उसकी कॉपी लगा के एक बार सदन में भेजी, तो इस विषय पर उचित ढंग से कार्रवाई हो सके। अभी मैं आधे घंटे में सारी चीजें, हाँ वो दीजिए प्लीज, मतलब ये करेंगे नहीं, हमें करने नहीं देंगे, तो क्या कोई प्रस्ताव उसमें लेना चाहते हैं, पूछ लीजिए। चलिए भाई, भाई रवि जी प्लीज बैठिए, रवि जी बैठिए, भाई 2 मिनट रुक जाइए, मैं अब इसमें लाऊ, नहीं प्रवीण जी बैठिए प्लीज, नहीं समय नहीं रह गया, बहुत मसले। भाई दिक्कत यही है कि ये परेशानी ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगी।